लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जोशीमठ से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आए। उन्होंने भूधसाओं के संकट से जूझ रहे जोशीमठ की विस्तृत सैटेलाइट तस्वीरें जुटाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्थायी पुनर्वास के लिए जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है वहां लोगों को बसाए जाने से पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जायजा लिया जाए। उन्होंने इस कार्य को तेजी से कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने खुद देर रात अचानक राहत शिविरों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने प्रभावितों से कहा कि कहीं पर किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उन्हें अवगत कराए, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। DM खुराना का कहना है कि प्रभावित परिवारों की आजीविका से लेकर रहने खाने की हर मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी राहत शिविरों में हेल्पलाइन नंबर चस्पा करने और प्रभावित लोगों तक हर प्रकार की मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और घरों में आ रही दरारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी राय व्यक्त की है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर हिमालय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमालय बहुत युवा है जिसके कारण ये बहुत संवेदनशील है। उत्तराखंड में अन्य कई जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर भी भू सर्वेक्षण होना जरूरी है। गांव के गांव बर्बाद हो जाएंगे तो हमारे उस विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और लेकिन मैं बहुत बड़ी परियोजनाओं का व्यक्तिगत कभी पक्षधर नहीं रहा हूं। उत्तराखंड जैसे राज्य में यही हिमालय, उत्तराखंड ही क्या, हिमालय का जो क्षेत्र है ये हिमालय यंग है अभी, ये अभी इस तरीके का है पूरी दुनिया में कि ये अभी स्थापित हो रहा है, ये इसकी वो बहुत संवेदनशील है हिमालय। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने जोशीमठ भूधसाव मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी द्वारा, हाट विधायक मदन बिष्ट, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी और अनुकृति गुसाई जैसे नेता शामिल रहेंगे। कमेटी के सदस्य पूरी तत्परता के साथ जोशीमठ क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर पैनी नजर रखने का काम करेंगे। समय समय पर कमेटी के सदस्य जोशीमठ पहुंचकर नुकसान का जायजा लेंगे। इस कमेटी का काम होगा राज्य सरकार पर पैनी नजर बनाए रखना, राज्य सरकार के राहत कार्य क्या क्या चल रहे हैं, कौन से भूवैज्ञानिक आ रहे हैं, कौन एक्सपर्ट राय ली जा रही है, और NTPC के साथ जो समझौता स्थानीय जनता का हुआ था उसको वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करना। उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रितों का 2 घंटे का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को तहसील में उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन के अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार पर मृतक आश्रितों की अनदेखी पर आरोप लगाया। मृतक आश्रितों ने सरकार से अनुकंपा के आधार पर निगम में नियुक्ति देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने और नगर निकाय व लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी। धरने में संरक्षक गंगागिरी गोस्वामी, महामंत्री अंजुपाल, संगठन मंत्री अनीता देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन की अस्थियां हरिद्वार विसर्जित की गई। VIP घाट पर PM नरेंद्र मोदी के भाई पंकज भाई मोदी परिवार के कुछ सदस्यों के साथ अस्थियां लेकर आए। बिना किसी प्रोटोकॉल के PM मोदी की मां की अस्थियां लाई गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा Facebook पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।